आप यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ मामला है और क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, पहले तो मेरा नाम अखिलेश सिंह है, मैं भी सिंधु महासंघ का जिला अध्यक्ष हूँ और ये मेरे ही ग्राम सभा का मामला है। आप मेरे पिता तुल्य हैं, अभिभावक हैं, हमारे ही बगल के रहने वाले हैं और आपका जो बेटा गायब हुआ अभी हमारे प्रधान जी ने आपको विस्तार रूप से बताया ही है। लेकिन उसमें ये बस्ती के जनता का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे जो अधिकारी कर्मचारी आते हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं और उन्हें जनता के किसी भी समस्या से कोई मतलब नहीं रहता है। जिस बच्चे का गुमशुदी का मुकदमा कोतवाली थाना में दर्ज हुआ है, वही बच्चा कोतवाली के बगल पुरानी बस्ती थाने में उसकी लाश बरामद हो रही है और पुरानी बस्ती थाने की पुलिस कोतवाली में संपर्क करके इनके बच्चे के लाश इनके परिवार को नहीं दे पा रहे हैं। उसको लावारिस में उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, नहीं कर रहे, भगवान जाने क्या हुआ। और हमारे हिंदू रीति रिवाज में बच्चे की जो भी परिवार में जिनका डेथ होता है उनकी अंतिम संस्कार किया जाता है, उनकी लाश जलाई जाती है। अगर वो लाश नहीं मिलता है पुतला जलाया जाता है। आज बाप अपने बेटे का अंतिम दर्शन करने से भी विमुख कर दिया गया इन प्रशासन की लापरवाही की वजह से। आज बाप पुतला जला के आया है और देखिए लोटा और टांगी सब साथ लेके यहाँ बैठे हैं और हम लोग यहाँ लगातार 12-13 दिन तक बैठेंगे। और हमने सुना है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा है, अगर प्रशासन के लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम भारी संख्या में हजारों की संख्या में एकजुट होकर के और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये बात रखेंगे। बस्ती के जो प्रशासनिक लोग ये जो अंग्रेजी हुकूमत की तरह बस्ती के जनता को गुमराह करके बस्ती पे गलत लोगों का साथ देकर के लोग राज्य कर रहे हैं, इनका हुकूमत खत्म करने का कार्य करेंगे। मांगे क्या आप लोगों की? मांगे हमारी है कि जो लोग दोषी हैं उन पे सार्वजनिक रूप से कार्रवाई करके हमको बता दिया जाए कि फला फला की गलती है और इनके वजह से आपके बेटे की लाश आपको नहीं मिली है और इनको बर्खास्त किया जा रहा है, इनको जेल भेजा जा रहा है। अगर ये काम हो जाएगा तो हम लोग तत्काल यहाँ से चले जाएंगे। यही हमारे भाई हमारे बेटे की श्रद्धांजलि है। आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ मामला है? मामला ये है कि आप हमारे रिश्तेदार कुकिया ग्राम सभा के रहने वाले हैं, इनका बच्चा है करीबन 20 साल का, 27 तारीख को वो घर से निकल गया था। थोड़ा मंदबुद्धि का है, रिश्तेदारों में संबंधों में खोजबीन करने के बाद जब नहीं मिला काफ़ी प्रयास करने के बाद, तो 27 तारीख को हमने कोतवाली में एक अप्लीकेशन दिलाया और उसकी पूरी सूचना दी। 27 को हमारा अप्लीकेशन ले लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 28 को हम लोग फिर बहुत रात भर ढूंढे और फिर सुबह 28 को कोतवाली पहुँचे तो हमारा इनको जो है गुमशुदी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और कहा गया कि सभी थानों पर वायरलेस कर दिया गया है और पूरी सूचना दे दी गई है। बच्चे का संपर्क होते ही आप लोगों को बता दिया जाएगा, आप लोग भी अपना खोजबीन करते रहें। हम लोग दिन रात खोजबीन करते रहे कोतवाली के संपर्क में ही रहे कि कब होगा। उन्होंने कहा यार हम लोग प्रयास ही तो कर सकते हैं। हम लोगों को किसी ने जानकारी दी कि एक बार आप पता कर लीजिए पोस्टमार्टम ऑफिस। हम लोग सारे लोग गए पोस्टमार्टम ऑफिस कल के डेट में, वहाँ पता चला कि बच्चे की फ़ोटो मिली, बताया गया कि आपका बच्चा कहीं कट के मिला हमको और उसको हम लोगों ने लावारिस में उसका दाह संस्कार कर दिया। और यह सुनते ही पिता इनके बेहोश हो गए, हम लोग इनको घर लेकर आए। फिर हम लोग आज कोतवाली पहुँचे कि ऐसा कैसे हो गया, क्या एक बाप को अपने बेटे का लाश फूकने का हक नहीं है? तमाम तरीकों के लिए पूछा, उन्होंने कहा ये गलती हो गई, सूचना शायद वायरलेस पे आई थी, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब जो हो गया वो वापस थोड़ी ला सकते हैं, आप लोग अपने घर जाइए। पिता ने पुतला फूक कर अपना जो है जैसे हम लोग में हिंदू रीति रिवाज में कार्य होता करके और लेके फिर हम लोग एसपी साहब के पास आए हैं। जब तक दोषियों के प्रति जो लापरवाही बरतते हैं उनके प्रति कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक हम सभी लोग यहाँ पे अध्यक्ष हैं जी हैं हम हैं तमाम ग्राम सभा के लोग हैं, हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं और पीड़ित परिवार को जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा चाहे हम लोग के ऊपर कितनी भी कार्रवाई की जाए हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। किस गाँव का मामला है ये? मामला है कोपिया ग्राम सभा कोपिया का, कोतवाली क्षेत्र। पीड़ित के परिजनों से वार्ता हुई, इस संबंध में थाना कोतवाली पर गत दिनांक 28 को एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी और थाना पुरानी बस्ती में एक डेड बॉडी मिली गई। इसके संबंध में परिजनों का ये कहना था कि उसकी पहचान नहीं हो पाई थी, तो उनको समय से सूचना नहीं मिल पाई थी। नियमानुसार अगर कोई अख्तियार से मिलता है तो उसमें सभी जनपदों को और पूरे प्रदेश में सभी थानों को इसका एक IT कराया जाता है, जो सूचना जाती है जारी की जाती है। किन कारणों से परिजनों तक सूचना नहीं पहुंच पाई है, एक प्रार्थना पत्र उनके द्वारा दिया गया है, इसकी जांच कराई जा रही है। यदि इसमें किसी